सो दिस इज द पेट्रोल स्कॉर्पियो एन. इसको स्कॉर्पियो आप बोलते हो, स्कॉर्पियो एन ही बोलते हो? स्कॉर्पियो एन ही बोलते हैं. स्कॉर्पियो तो पीछे से एनएम जी ने बोला इसको स्कॉर्पियो एन ही बोलना है. इसको थोड़ा एन स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल लेवल. नेक्स्ट लेवल. अच्छा ठीक है, तो मैथमेटिकल लेने दो. सो दिस इज द पेट्रोल वन. नॉर्मली मैं पेट्रोल एसयूवीज नहीं ट्राई करता बिकॉज ज़्यादातर लोग डीजल लेते हैं, बट अब डीजल की जो सरकार ने बैन बजानी शुरू करी है, बहुत रिफाइंड स्टार्ट था बहुत ज़्यादा. तो इसका भी पेट्रोल रिफाइनमेंट उतना ही है कि आप अगर जैसे होंडाज का है कि आप अगर बैठते हो तो आपको एक सेकेंड तो पता नहीं लगेगा कि इंजन ऑन है नहीं. चेक टायर डायरेक्शन बैक टू एक्सयूवी 300 डेज. इसके भी लीवर 700 वाले हैं. फैन स्पीड थोड़ी कम कर लेता हूँ. इतनी सारी गाड़ियाँ फैन का बटन देती हैं, इवन ऑडीज में भी है, बट आई बिलीव फैन हमेशा रोटरी होना चाहिए. बट दिस इज अ बिग कंप्लेंट दैट आई हैव फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट फैन हमेशा इंट्यूटिवली ऐसे वाला फैन में ज़्यादा मज़ा आता है. बट एनीवेज, सो दिस इज रियली साइलेंट. द स्टीयरिंग इज रियली गुड. इसके अंदर कंप्लीट डिजिटल नहीं है, बट दैट इज द गुड थिंग. अगर इसमें सब कुछ वो दे देते तो 700 लोग क्यों लेते. बट इट हैज़ ऑल द नेसेसरी थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड. इसके अंदर भी सोनी का 3D साउंड सिस्टम है, ऊपर स्पीकर्स हैं, द टच स्क्रीन इज रियली रिस्पॉन्सिव, जो सबसे अच्छी बात है. इनकी पूरा टैबलेट एक्सपीरियंस लग रहा है, क्योंकि टच का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल वैसा ही है. तो इसको बाद में छोड़ेंगे. एसी को 24 पे करें ना, तो हमने फैन ही कम कर दिया. लेट इट बी. अंदर इंजन की बिल्कुल आवाज़ नहीं है. इसमें ड्यूअल एसी है, ड्यूअल जोन, जो बहुत बड़ी बात है. नहीं तो आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी. एक सेकंड. आई एम जस्ट गेटिंग कम्फर्टेबल विद द इंटीरियर्स. ऑटो डिमिंग हो सकता था बट नहीं है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं. वी हैव सनरूफ. पीछे कैसे होगी? अच्छा सबसे बड़ी बात, इट हैज गॉट इलेक्ट्रिक सीट्स. ये इतनी बुरी आदत है, इसकी अगर एक बार आदत लग गई आपको, आप सबको मैनुअल आगे पीछे करने में बिल्कुल आपको मौत आएगी. ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी उसमें. टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्ट है, दैट्स ओके. तो नॉर्मली मैं सीट थोड़ी सी नीचे करके लाता हूँ कोई भी कर. आई फील कि अगर जरूरत से ज़्यादा ऊपर है इसमें थोड़ी ऊपर करनी पड़ेगी. तो आप झटके ज़्यादा खाते हो, बंदा रोल ज़्यादा करता बॉडी के साथ. सो आई एम जस्ट गेटिंग कम्फर्टेबल. कैमरा मोड्स. ये बम्पर पे हैं दोनों कैमरास? यस, फ्रंट और रियर ही आता है. नहीं, ये दोनों रियर है ना? हाँ जी हाँ जी. ठीक, अच्छा यहाँ से स्क्रीन हो जाती. सो वी आर इन डी मोड. सो एक आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि पेट्रोल एसयूवी चलाने का जितना ज़्यादा मज़ा है, बिकॉज मैंने जब थार चलाई थी पेट्रोल अपने फ्रेंड की, तो जब इतनी बड़ी बॉडी बिना लैग के उठती है, सो साइलेंट. बेल्ट लगा लेना प्लीज, बिकॉज पेट्रोल के अंदर तो पेपिनेस है. क्या बात है इसकी, जो ये इंडिकेटर की टोन है, इट फील लाइक अ विंड चाइम. नहीं तो हमें बड़ी कार्स के साथ लैग की आदत है डीजल के, बट पेट्रोल के अंदर मैंने तब थार चलाई, आई कुड फील लाइक, मैं कहा यार ये तो जैसे अभी मैं पीछे पहाड़ों पे गया तो आई रियलाइज कि ऑल्टो सबसे ज़्यादा वहाँ पे चलती है. क्यों? बिकॉज इतनी लाइट और पेट्रोल इंजन उनका इतना पेपी होता है, नो डाउट पावर फिगर्स बहुत ख़राब है कि उनको चढ़ने में मुश्किल नहीं आती, और डीजल में वो लैग को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है. बट पेट्रोल एसयूवीज में जहाँ पर इनकी माइलेज ऑब्वियसली इफेक्ट होती है बिकॉज इतना ज़्यादा वेट होता है, बट जो पावर डिलीवरी है इंस्टेंट, जो इतना ज़्यादा वेट को अचानक मूव करती है, दैट इज़ रियली ग्रेट. सो द ग्रेट थिंग इज इसके इंजन की बिल्कुल आवाज़ नहीं है. दिस इज सो साइलेंट, दिस फील्स सच अ लग्जूरियस एक्सपीरियंस.
ओनली वेन जब आप, जैसे मैं दो स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से निकला तो पता लगता है कि लैडर फ्रेम एसयूवी है, बिकॉज देन यू कुड फील दैट द जर्क इज अ लिटिल, क्या बोलेंगे, ये आप चला के आपको पता लगेगा कि आपको लगता है कि बॉडी अलग से हिल रही है और ये सस्पेंशन अलग से हिल रही है. बट दैट इज़ वेरी क्लासिकल टू ऑल द लैडर फ्रेम एसयूवीज. तो ये अगर आप, यू आर कमिंग फ्रॉम अ कार एंड यू आर, यू वॉन्ट टू हैव द स्कॉर्पियो फॉर इट्स शेयर फील, ये आदत आपको थोड़ी सी जीप स्टार्टिंग में लग सकती है, बट एक बार आदत पड़ जाए फिर आपको बुरा नहीं लगता. बट दिस इज फीलिंग लाइक अ लग्जूरियस ड्राइव, जो पिछली स्कॉर्पियो में बिल्कुल नहीं थी. लास्ट स्कॉर्पियो यूज टू ड्राइव लाइक अ ट्रक एंड लोगों को वही अच्छा लगता था, दैट इज वॉट इट वॉज मेंट फॉर. इतना निम्बल स्टेयरिंग जैसे किसी सेल्टॉस की i20 है, मतलब जितना हुंडई का लाइट होता है. क्या एंड सिंस इट्स अ पेट्रोल इट्स जस्ट लाइक, और मैं इतनी ऊंची बैठा हूँ मेरे को इनोवा भी छोटी लग रही है, जबकि अभी सीट सबसे हाइट पे करी नहीं है मैंने, करके देखते हैं क्या. सी आई कैन इवन लुक डाउन टू एन इनोवा. इसमें स्पोर्ट्स मोड नहीं है ना, पेट्रोल में नहीं आते, डीजल में आता है. डीजल में स्पोर्ट्स गियर डालते होता है या अंदर से करना पड़ता? वही आते हैं 7W वाले, जिप जैप जूम, वो नहीं है कि यहां से बटन दबाओ और स्पोर्ट्स में चलेगी. ये सीट का कमांडिंग व्यू है सर, आप देखिए ना, बड़ा जबरदस्त है. और इसके जैसे आप देख रहे हो ना, बंपर्स आ रहे हैं तो वो एक जर्क फील नहीं हो रहा है. तो रियर्स वाले सस्पेंशन पे एक बॉड स्लिंग दिया गया है जिसकी वजह से हमें जर्क फील नहीं हो रहा. तो जो पहले बॉडी रोल होता था उसको अपवर्ड में कन्वर्ट करके, उसको अपवर्ड में, अपवर्ड मोशन में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है. सो देखो भाई, अगर पेट्रोल की माइलेज से आपको प्रॉब्लम नहीं है तो जो पेट्रोल एसयूवी का उठने का मजा है वो बिल्कुल ही अलग है. बिकॉज जो डीजल एसयूवीज है वो जब पिकअप लेती हैं वो ऐसे लेती हैं, पूरा आपको अनकंफर्टेबल हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ इट साउंड. आप फॉर्च्यूनर को भी अगर पावर मोड में रेस दे के भगाओगे, आप एक बार तो भगा लोगे, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा. बिकॉज इवेंचुअली व्हेन यू ड्राइव अ बिग कार आपको कंफर्ट अपना नहीं हिलाना होता, और नॉट जस्ट आपका, इवन आपके साथ जो जितने लोग बैठे हैं आप अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते. सो इवन ऑडीज या BMWs में भी द रीजन वाई दे आर सो एक्सपेंसिव इज बिकॉज दे गिव कम्फर्ट, स्पीड, एवरीथिंग एट द सेम टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कम्फर्ट. सो इवन इफ यू आर एक्सेलरेटिंग फास्ट, यू आर एट 150, तो आपका आप अनकम्फर्टेबल नहीं होगे. बट द प्रॉब्लम विद SUVs वॉज दैट द मोमेंट यू पुश दैम हार्ड दे विल गिव दैट थ्रोटी इंजन नॉइस एंड एवरीथिंग एल्स एंड इट विल मेक यू अनकम्फर्टेबल. एंड दैट वॉज द रीजन वाई अर्बन लोग स्कॉर्पियो बहुत कम लेते थे. तभी स्कॉर्पियो रॉ लोगों के लिए या रूरल एरियाज के लिए या ओनली जो यंग लोग जो कंफर्ट को इतना प्रेफर नहीं करते थे वो ज़्यादा स्कॉर्पियो प्रेफर करते थे. बट दिस स्कॉर्पियो इज बिल्ट फॉर लग्जरी, दिस स्कॉर्पियो इज बिल्ट फॉर द अर्बन पॉपुलेशन, दिस स्कॉर्पियो इज बिल्ट फॉर ऑल दोज पीपल हु वॉन्ट अ बिग रिफाइंड कार. एंड लेट मी टेल यू, दिस कार इज मच मोर रिफाइंड देन अ फॉर्च्यूनर. नो डाउट मैंने फॉर्च्यूनर पेट्रोल नहीं चलाई तो डीजल का अलग एक्सपीरियंस होगा ऑब्वियसली. बट एक बड़ी कार पे जब आपको इनिशियल पता होगा यार कि मैंने अगर ओवरटेक भी करना हो आराम से कर सकता हूँ, उतना पिकअप है, उतना थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, वो बहुत बड़ी बात है. तो अभी भी आई एम गेटिंग यूज टू द होल फील बिकॉज दिस बॉडी ऑन फ्रेम लैडर फ्रेम चैसी का जो एक्सपीरियंस है, दिस गिव्स अ फ्लोटिंग ड्राइव. एक मोनोकॉक कार जो 99% मैंने ड्राइव करी है, सो उससे थोड़ा फ्लोटी एक्सपीरियंस रहता है इनका. So you could see that I am moving थोड़ा but the comfort level, the silence inside is really good. I hope to get a good stretch of road. ये इंडिकेटर की आवाज़ कितनी प्यारी है. 700 से भी मेरे को लग रहा है कि मेरी कार ज़्यादा बड़ी है जो है अभी. तभी मैंने कहा था इसकी रोड सी उसका जो बोनट का वो टॉप है वो 700 से कितना ऊंचा फील हो रहा है. लेट्स गो. ब्रेक्स गुड है, ब्रेक मारने में उतनी नोज डाइव नहीं कर रही है जो पहली स्कॉर्पियो करती थी. पहली स्कॉर्पियो बिल्कुल, अगर आप हाई स्पीड पे स्कॉर्पियो ला रहे हो हाईवे पे और बिल्कुल आप ब्रेक मार दो, बिल्कुल ही
ऐसे ही हो जाती थी प्रीफिल्ड ब्रेक्स है ना पैड्स हाँ। जैसे ही आप रेस से पैर हटाते हो तो जो डिस्क पैड्स हैं वो ब्रेक के पास आ जाते हैं तो कि आप प्रॉपर ब्रेकिंग सो इट गेट्स रेडी टू ब्रेक जी प्रीफिल्ड पहली बार सुना है लेट्स गो क्या बात है क्या थ्रोटी आवाज है इंजन की इतनी प्यारी इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार आवाज आ रही है इसकी इतनी प्यारी आवाज और कोई शोर नहीं और इतनी हाइट पे बैठ के भी इतना कंफर्टेबल वाह ऐसे लग रहा है कि कुशनिंग करी है नीचे एंडेवर बहुत ग्लाइड करती है वो भी ऐसे 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 हिलती रहेगी सी फॉर्चुनर के साथ भी गाड़ी चलानी पड़ेगी एंडेवर के साथ बिल्कुल लग रहा है आपको कि आपकी कार थोड़ी छोटी है इट्स लाइक पूरे लेवल की कार लग रही है एक लेवल पे आप बैठे हो खुद सिर्फ सस्ती है ये आई फील कि दिस इज अ मच बेटर वैल्यू फॉर मनी देन ऑल दिस बिग कार्स स्टेयरिंग का कितना अच्छा वेट सही से बढ़ गया है नॉट लाइक ये जाने की ज़्यादा भारी हो रहा है कुछ हो रहा है सो नेचुरल क्या बात है वेरी कंफर्टेबल पता लग रहा है कि यार की लग्जूरियस फील आ रही है जो स्कॉर्पियो से दूर दूर तक तो पहले नहीं थी एंड देन यू कैन ड्राइव ऑल्सो सो कॉन्फिडेंटली क्या बात है सो ये एक खराब स्पीड ब्रेकर है जो हमेशा जर्क देता है लेट्स सी इस पे नहीं आया एंड लेट मी टेल यू अ फ्यू डेज अगो आई वाज विद माय फ्रेंड उसकी एक्सयूवी 700 में वो भी थोड़ी सी हिल जाती थी सो द गुड थिंग अबाउट लैडर फ्रेम चेसी एसयूवीज कि इनकी बॉडी में जर्क आना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल तो ये थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस फील देती है आपको बिकॉज नीचे वाली बॉडी बहुत जर्क्स लेती है बट ऊपर तक आपको नहीं फील आता इतना सो लैडर फ्रेम चेसी एसयूवी बनाना एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर इंजीनियर्स बिकॉज यू हैव टू गिव इट रोड कम्फर्ट एज वेल बिकॉज लैडर फ्रेम चेसी ऑफ रोड पर बहुत ज़्यादा एबिलिटी देती है बट रोड कम्फर्ट खराब कर देती है तो फॉर इंजीनियर्स टू गिव सच कार्स एक्सट्रीम लग्जूरियस क्वेश्चन एज वेल इज एक्चुअली रियली हार्ड And they have given this in Scorpio. यार ये इंडिकेटर की आवाज़ इतनी प्यारी ये तो छोटी मोटी लग रही सारी परे वो क्या कॉन्फिडेंट आई वॉज एट 100 प्लस I never thought कि स्कॉर्पियो 100 प्लस इतनी कॉन्फिडेंट होगी पीछे थोड़ा बॉडी रोल ज़्यादा ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स हाइट एंड आई थिंक पीछे थोड़ा पैसेंजर्स अनकम्फर्टेबल हो गए बट गाड़ी बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा कि कंट्रोल थोड़ा सा खराब हुआ या थोड़ा सा हिला अच्छा तो स्टार्ट स्टॉप भी है आई थॉट ये क्या हो गया इंजन को ये एक्चुअली 500 में भी था दैट केम आउट इन 2012 आगे से जाते हैं फुल थ्रॉटल क्या बात है आई होप आप आवाज सुन पा रहे हो इतनी मीठी प्यारी आवाज है लाइक अ स्मॉल रेस कार आप कह ही नहीं सकते कि एक एसयूवी भाग रही है ऐसे एट 120 नाउ और इतने प्यार से एट 120 एंड देन ऑल्सो एट सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस Scorpios were never good highway vehicles. Never ever. Let me tell you this very clearly. They were never ever. Soggy speed पे कट काटना was really challenging. जो इसके लिए बिल्कुल नहीं है. So I'm at 120 and waving through traffic at so much of fight with so much of confidence. This is really a big thing. And the refinement that this engine gives is next level. यार. ये मैं आपको अपने अंदर की एक insecurity बताता हूँ. The reason मैं petrol गाड़ी नहीं चलाता था because petrol गाड़ियाँ चलने में इतनी बढ़िया होती हैं. और वो बट इतनी ही बेचारी महंगी पड़ती है कि मेरे को था कि मैं पेट्रोल इंजन चलाता हूँ तो बंदे को डीजल अच्छा नहीं लगता तो आई ऑलवेज यूज टू स्टिक टू ओनली डीजल्स बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई कुड अफोर्ड अब पीछे मेरा मन था एक ऑडी A6 3.0 TFSI इंजन लेने का विच प्रोड्यूसेस मोर देन 300 PS ऑफ पावर एंड अराउंड 500 टू 600 Nm ऑफ टॉर्क गोज फ्रॉम 0 टू 100 इन 5 सेकंड्स तो मैं अपनी सीट सब सुपर कर लेता हूँ लेट्स सी कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इट कैन गिव यू फील लेनी है तो पूरी लेते हैं एक बार
काफी ऊपर आ गया मैं तो। टायर ने थोड़ी सी स्किड करी, दैट इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क एंड पावर द फ्रंट व्हील्स हैव। आई एम वेटिंग टू ड्राइव द 4x4 डीजल एज वेल, आई होप आज शायद मिलेगी या नहीं मिलेगी, आई डोंट नो। A6 ये गाड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। स्टीयरिंग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्या बात है, फील लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सी द अमाउंट ऑफ पावर मैन, इट जस्ट पुल्स सो क्लीनली। टर्बो पेट्रोल इंजन है ना, तभी नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल में तो बिल्कुल मजे नहीं आते। क्या बात, आई कुड नेवर थिंक कि मैं एक स्कॉर्पियो रैस ला लूंगा। फाइनली आ गई हमारी पुरानी फॉर्च्यूनर जो सेकंड हैंड आज भी 17-18 मॉडल 20 लाख का मिलता है, जितने में आपकी ये वाली स्कॉर्पियो इतनी। ओह माय गॉड, आई फील लाइक आई एम सिटिंग टॉलर देन द फॉर्च्यूनर। क्या बात है, एंड आई कैन सी द ड्राइवर ऑफ द फॉर्च्यून फ्रॉम हियर, एंड आई थिंक वो मेरे से काफ़ी नीचे बैठा है। क्या बात है यार, दिस हैज मच मोर रोड प्रेजेंस देन द फॉर्च्यूनर इटसेल्फ। ये इनोवा तो छोटी लग ही रही है। ओह माय गॉड, सच अ पावरफुल राइड एक्सपीरियंस। और आपके पास पता है कि एसयूवी में ऊंचे बैठ के जो एक मेंटल कंफर्ट आता है ऑफ सीइंग द रोड मोर, ये मैंने ना पीछे रियलाइज करा अपनी Q5 और A6 के A4 में, पहले जब A6 थी, कि सेडान और उसमें कितना डिफरेंस है। कि जब आप एसयूवी में होते हो, इवन दो सेडान एसयूवी से ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, बट जब आप एसयूवी ड्राइव कर रहे होते हो, बिकॉज यू कैन सी सो मच, यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट इन ड्राइविंग दैन इन अ सेडान। इवन दो सेडान की पावर ज़्यादा होगी, कंफर्ट ज़्यादा होगा, सब कुछ ज़्यादा होगा, बट आप एसयूवी में, क्योंकि अब इतनी आपको, अब मुझे पता है वो WRV के आगे कोई नहीं है, सेडान में मुझे पता ही नहीं होगा। अब आई कैन सी टिल सो मच फार, छोटी गाड़ियों के आगे तक आप देख पाते हो, दैट इज व्हाट गिव्स यू सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। और सेडान में क्या, आप नीचे होते हो, आपको थोड़ी सी गाड़ियाँ भी बड़ी लगती हैं, उसके आगे नहीं आप देख पाते हो। सो दिस मेंटल कम्फर्ट ऑफ नोइंग वेयर यू आर हेडिंग, कहीं पर लगेगी नहीं कार, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो कम्फर्ट इतना ज़्यादा बढ़िया है देन द बॉडी कम्फर्ट दैट यू फील वाइल सिटिंग इन सेडान। दैट इज वाई आई फील कि इतनी SUVs बिक रही हैं, और लोग इसको अब तक, लोग इसको कहते हैं रोड प्रेजेंस है, बट आई फील दिस इज द ईज ऑफ ड्राइविंग दैट द SUV गिव्स यू, ऑफ जस्ट नोइंग दैट वॉट इज एवरीथिंग अराउंड। जितना ऊंचा बैठते हो उतना ईजिली आप देख पाते हो। क्या बात है भाई, कुट आई ब्रेक थोड़ा सा हार्ड और पता भी नहीं लगा अंदर। द नोज ड्राइव इज सो मच कंट्रोल्ड। खराब रोड्स कहाँ पे, यहाँ पे बहुत गंदा खड्डा है। ओह माय गॉड, गाड़ी को बिल्कुल पता नहीं लगा, और वो इतना ज्यादा, मतलब इट वाज टू डीप मैन। ये फायदा है लैडर फ्रेम एसयूवी का, अगर मोनोकॉक होती यहाँ पर तो बिल्कुल हिल जाती। ये भी सड़क टूटी है, पजेरो भी छुप के गई। क्या बात है, अंदर तक बिल्कुल जर्क नहीं आया। दिस वॉज मच स्मॉलर देन द फर्स्ट वन। गंदे से गंदे खड्डों में भी आपकी बॉडी तक जर्क नहीं पहुंच रहा है, नीचे ही सस्पेंशन सब कुछ सोक कर लेती है। क्या बात है, अमेजिंग कॉन्फिडेंस यार, अमेजिंग कॉन्फिडेंस। आई होप आई लाइक द डीजल एज वेल, बिकॉज जितनी रिफाइंड पावर इसमें आ रही है, द कॉन्फिडेंस दैट दिस कार इज गिविंग, द पेपिनेस ऑफ अ टर्बो पेट्रोल, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द रीजन आई लव डीजल मोर देन द एस्पिरेटेड पेट्रोल इज बिकॉज द डीजल हैज टर्बो, एंड व्हेन यू ड्राइव दिस, फाइनली आई गॉट इट। ओह माय गॉड, सो कंफर्टेबल। बेस्ट लग रहा है, आई एम ग्लाइडिंग। People are smiling seeing this. मुझे लग रहा है कि मैं फ्लोट कर रहा हूँ, कोई अंदर जर्क नहीं कुछ नहीं, दिस इज सो कम्फर्टेबल।
बट somehow Q5 क्वाट्रो चलाने के बाद आई जस्ट फील कि SUV दिमाग हिला है. गिव मी सम गुड्स ऑडियो बार दूंगा. ये हमारी ही मिट्टी क्रिएट करी है. सो ये मिट्टी हमारी क्रिएट करी हुई है. सो आई एम जस्ट गोइंग बैक बिकॉज इतना मजा आया. दिस फेल्ट लाइक इट्स होम टेरेन एंड आई एम सो सरप्राइज कि ऑफ रोडिंग इतनी लग्जूरियसली भी हो सकती है. थोड़ा कीचड़ है, शायद गंदी हो जाएगा. सो बिकॉज इट इज पेट्रोल पावर्ड और यहाँ पर ट्रैक्शन थोड़ी कम है, हमारी मिट्टी से परेशान हो रहे सारे. बट ट्रैक्शन थोड़ी कम है मिट्टी करके, इसलिए थोड़ी देर ज्यादा देने पर व्हील स्पिन कर रहा है अगला. देयर इज सो मच ऑन ऑफ पावर ऑन द फ्रंट व्हील्स. क्या बात है, दिस फील सो कंफर्टेबल, सो कंफर्टेबल. स्टीयरिंग इतना ही लाइट है, ये देखो. थोड़ी सी रेस ज्यादा देता हूँ, बर्न आउट मार रही है कार. तभी मैं कहता हूँ SUVs तो 4x4 ही होनी चाहिए, either all wheel drive either 4x4. but जब चारों टायर घूमते हैं तब आता है इतना बड़ा वेट कंट्रोल करने का मजा ऑन खराब ट्रैक्शन. ऑल्सो ये नई फॉर्चुनर भी आ गई हमारे पास, तो इससे भी मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत ऊंचा बैठा हूँ. क्या Mahindra has finally made a very killer product again. तो अभी कोई कस्टमर आया हुआ था, आई थिंक उनको आइडिया नहीं था Mahindra की इतनी प्रॉस का जो आजकल Mahindra की गाड़ियों में आ रहा है. तो वो आके पूछ रहे थे यार कि हमने तो हफ्ते 10 दिन में कार चाहिए, एंड द एग्जीक्यूटिव देयर टोल्ड कि अभी तो ये तो सारी बुकिंग पर है. एंड ही वाज लाइक यार हम तो सोच रहे हफ्ते रेट में मिल जाएं, एंड देन शी टोल्ड कि सर सारी गाड़ियां बुकिंग पे है. एंड आई कुड रियलाइज कि एक्चुअली कितनी बड़ी बात हो गई है. अंदर थार, 700 स्कॉर्पियो, तीनों ही इतनी लंबी लंबी बुकिंग पे है. दिस ट्रांजिशन फ्रॉम ऑफ रोड टू ऑन रोड इज सो कंफर्टेबल दैट अंदर का कंफर्ट और लग्जरी नहीं हिल रहा. ये कितनी बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बड़ी SUV में है. नहीं तो आइदर कार्स आर बिल्ट फॉर दी ऑन रोड जैसे 700 है और फॉर दी ऑफ रोड. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई फील दैट अ फॉर्चुनर इज मच मोर कंफर्टेबल ऑफ रोड. ऑन रोड पर डालते तो आपको लगता है अरे गाड़ी ऑन रोड के लिए बनी नहीं है. बट स्कॉर्पियो आई फील इज एट होम ऑन बोथ द लेवल्स, ऑन बोथ द सर्फेसिस. सड़क पर भी ऑन रोड चला के इतना मजा आ रहा है और ऑफ रोड पर तो पता ही नहीं लगा. But I believe if you want to buy this car, you should try the 4x4. Though 4x4 petrol में नहीं है, सिर्फ diesel में है. क्योंकि खराब roads पर इसकी जितनी power है बहुत easily wheel spin कर रही है. तो 4x4 is the real deal. If you want to enjoy it just as I'm enjoying on the ground, on road. If you want to enjoy बिल्कुल वैसे off road पर तो आप 4x4 ही लो. यार मुझे लग रहा है आजकल सब कुछ अच्छा बनने लग गया यार. मैं पुराने जमाने का हो गया हूँ. इतनी अच्छी कार है, अभी बाइक चलाया हंटर वो भी इतना बढ़िया. Mahindra आया तो सारी गाड़ियाँ इतनी जबरदस्त सुनाई जा रहा है, कमी ही नहीं निकाल पाता बनना कोई कार में. लोगों लगे मैं पैसे खाई जा रहा हूँ. इंजीनियरिंग इतनी बढ़िया होती जा रही है. बट आई थिंक लॉट ऑफ कंपनीज आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड. बट समहाउ Mahindra इज जस्ट किलिंग इट लाइक एनीथिंग एंड रॉयल एनफील्ड एज वेल. तभी दोनों की इतनी चढ़ाई हो रही है. इसका भी हॉर्न अंदर कम सुनाई देता है. आई रियली टेस्ट दिस ऑल्सो. ये भी बहुत मैटर करता है कि हॉर्न की आवाज़ अंदर कितनी आ रही है. बिकॉज लॉट ऑफ कार्स में हॉर्न मारता हूँ अंदर ज़्यादा शोर सुनता है. सो दिस इज रियली अ कार वर्थ बाइंग यार. आई थिंक इट इज सो मच मोर कंफर्टेबल देन अ फॉर्चुनर और एन एंडेवर एज वेल. मेरे को एंडेवर चला के भी इतना मजा नहीं आया. मे बी पुरानी 3.0 वाली ज़्यादा अच्छी लोग कहते हैं, बट अभी लेटेस्ट 2.0 जो मेरे मामा जी ने ली XUV500 रिप्लेस करके, मैं दिल्ली से लेके आया और मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया. विच वॉज सच अ शॉकर बिकॉज मी बींग अ फोर्ड फैन आई थॉट कि ये तो बड़ी मजेदार होगी. बट इट इज़ वेरी सॉफ्टली सेटअप. आई थिंक स्कॉर्पियो इज मच मोर फन देन एन एंडेवर इट सेल्फ. मे बी पिछली वाली ज़्यादा बढ़िया होंगी, उनमें ज़्यादा पावर होगी या ज़्यादा अच्छी बिल्ट होंगी. बट द 2.0 वाली में नहीं मजा आया. एंड आई थिंक अगर आपको बड़ी कार लेनी है यू कैन हैव सो मच फन इन द स्कॉर्पियो.
बट आई थिंक जो लोग फॉर्च्यूनर एंडेवर लेना चाहते हैं ना, उनको शायद स्कॉर्पियो बैच से प्रॉब्लम भी हो, उनको शायद लगे यार कि मे बी हम डाउनग्रेड कर रहे हैं, बिकॉज स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग वैसे हुई हुई है, या तभी उन्होंने दो स्कॉर्पियो निकाल दिया। अगर इसका एक कोई और नाम भी निकाल देता, आई डोंट नो, इट इज डिबेटेबल, बिकॉज इट्स अ टोटल डिफरेंट क्लास ऑफ लैडर फ्रेम एसयूवी। आई हैव नेवर ड्रिवन सच अ कंफर्टेबल लैडर फ्रेम एसयूवी। This feels so comfortable. I'm so much looking forward to driving the diesel. Iski company claimed mileage kya hai? 16 to 17 तरफ से अभी उन्होंने ARI claim निकाली नहीं है। इसमें कहाँ पे आती है mileage? इसका कैसे? अच्छा यहाँ से control होता है। Average speed. खराब सड़क होती है मेरे से निकल गया। ड्राइवर अटेंशन लेवल, अरे ये भी होता है ट्रोजिनस डिटेक्शन वाला ना। अच्छा इसमें है वो जी? क्या बात, तो ये थोड़े बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं। माइलेज नहीं मिल रही मेरे को, बट कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे छोड़ो इधर, अपना इधर है ना, छोड़ो। Such a comfortable and fun to drive car at the same time. Normally पता क्या होता है, जैसे अगर आपके घर में दो चार गाड़ी है ना और सबसे बड़ी एसयूवी है, आप एसयूवी कम चलाओगे, आपको होगा यार कि कोई बात नहीं है, जब इकट्ठे जाएंगे तब ले जाएंगे, या इतना बड़ा सांड कौन उठाए, या आपको एक छोटी कार उठा लो कोई बात, इट विल बी मच मोर कम्फर्टेबल। बट आई टेलिंग, इफ यू हैव अ पेट्रोल स्कॉर्पियो एट योर होम, यू विल नॉट ड्राइव स्मॉलर कार्स, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द साइज इटसेल्फ, बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ ड्राइविंग। एंड और ईज ऑफ ड्राइविंग इतनी बड़ी चीज़ है, ओनली थिंग Hyundai हैड सिंस द बिगनिंग वाज ईज ऑफ ड्राइविंग। और अब जो भी व्हीकल ईज ऑफ ड्राइविंग डाल रहा है, बिकॉज सबकॉन्शियसली यू वांट टू ड्राइव अ कार दैट इज ईजियर टू ड्राइव। कहाँ पे पार्क करूँ? अच्छा घुमा के ले अपन। दिस इज सच एन ईजियर कार टू ड्राइव, इतना लाइट स्टेयरिंग, एंड नॉट लाइट इन अ बैड वे, लाइक इट वेज अ प्रीटी रीजनेबली अकॉर्डिंग टू द स्पीड। और इसके इतना ही रिफाइंड है यार, इतना ही मजेदार प्यारा इंजन है यार, क्या बनाया इन्होंने। थार में मैं फील कर रहा था, जहां पे थार खुद इतने रगड़े, उसका इंजन इतना ही मजेदार लाइट सा प्यारा सा रेस देने में ऊ करके उड़े। Somehow मैं जैसे अभी इससे पहले मैंने बाइक का रिव्यू करा था, तो आई वॉज ऑल जैसे इट वॉज सच अ स्पिरिटेड ड्राइव, पसीनो पसीन हुआ बड़ा सा मैं थोड़ा, एंड आई वॉज जैसे थोड़ा एड्रेनलिन पंप हुआ हुआ था, बट आफ्टर ड्राइविंग दिस अचानक ही जैसे कम्फर्ट लग्जूरियस फील होती है, मतलब आई एम फीलिंग सो कम्फर्टेबल। नो डाउट इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट चलाया, बट आई एम फीलिंग सो कम्फर्टेबल, सो रिलैक्सड, एंड दिस इज वॉट अ गुड लग्जूरियस कार डज टू यू। पहली बार जब मैं ऑडीज ड्राइव करनी शुरू करी, आई कुड रियलाइज दी स्मॉल सबकॉन्शियस डिफरेंसेस दैट अ कंफर्टेबल लग्जूरियस कार गिव्स टू यू। मैं ऑफिस से आता था और मैं घर पहुंचने से पहले गाड़ी में आई कुड फील लाइक वाओ यार फाइनली दिन खत्म हुआ, कितना अच्छा लग रहा है एंड एवरीथिंग। दिस इज व्हाट अ गुड लग्जूरियस कार गिव्स टू यू। पुरानी स्कॉर्पियो तो दूर, मतलब पुरानी स्कॉर्पियो तो भूल जाओ, इट वॉज सच अ रॉ एक्सपीरियंस, एंड दिस गिव्स यू दैट। एंड सडनली आई फील मोर काम, मेरी सांसें कितनी नॉर्मल है, मैं बड़ा शांत सा फील कर रहा हूँ, and this because of the drive that this car gave me, the whole of the experience, the plastic, ये जो leather touch है कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है, जो पुरानी Mahindra जिसमें बहुत सारा था, इन्होंने सारा कुछ कवर कर दिया, कि कहीं पर भी आपको ये नहीं लग रहा कि कुछ knickknacks है, panel gaps हैं। XUV 500 पुरानी XUV 500 में इतने panel gaps थे, आपको लगता था product पूरा finish नहीं है, but इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। This feels solid and premium at all the levels. Power windows switches की quality शायद थोड़ी better होती, but obviously. सारे वन टच हैं, क्या बात है, ड्राइवर और को ड्राइवर वन टच अप और वन टच डाउन है, कितनी बड़ी बात है। अगर आप कोई भी जर्मन गाड़ी चला रहे हो, ये पहली चीज़ है जो आप बहुत मिस करते हो, बट ये ज़्यादातर गाड़ियों में होता नहीं है, लोग इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते, बट आई एम सरप्राइज कि इसमें ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को है, और ड्राइवर के अलावा तो को ड्राइवर की तो वैसे नहीं इज्जत देते। इसमें जो आपकी सीट इलेक्ट्रिक है या मैनुअल? चलो वो मैनुअल है, बट ये वन टच अप डाउन भी बहुत बड़ी बात है।
So I think I had a great time, great experience. Again, I have no comment to make. But let me go and sit at the back itself. I'm passing through the middle. Oh hi. Yeah, amazing legroom. Very comfortable. I hope this reclines. ये रिक्लाइन करती है बिल्कुल कहाँ से नहीं मिल रहा नीचे से ठीक है तो ये जैसे Q5 में नीचे होगा ऐसा ऑलरेडी रिक्लाइन थी नहीं और होती है सो आपको पता है छोटा सा रिक्लाइनिंग फीचर जो एक 1 crore की मर्सिडीज GLE में भी आज की डेट में नहीं आ रहा है ये छोटा सा फीचर आपके कम्फर्ट लेवल को 10 गुना बढ़ा देता बिकॉज अगर आपको नींद आ रही है या सोना है आपने आपकी रियर सीट जितनी मर्जी कंफर्टेबल हो एक्चुअली द इट इज़ द रिक्लाइन एंगल दैट हेल्प्स यू टू स्लीप अब बैठते ही गाड़ी सीट रिक्लाइन करो एंड यू विल डोज ऑफ फ्रंट सीट पर भी को पसंद सीट पर यही सबसे खास बात होती है कि आप बैठे सीट रिक्लाइन करिए और आपको नींद आ गई बट इतनी गाड़ियों में जहाँ पर रिक्लाइन एंगल ही नहीं है पीछे वो इतना बड़ा फीचर हटा देता तो बहुत स्टूपिड सी बात बताऊंगा मैंने जब नई नई ऑडी ली थी तो उसके टायर फट गए थे आई एम टेलिंग यू बिकॉज आपको लगेगा बार बार ऑडी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं गरीब इंसान हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं पला बड़ा नहीं हूँ इनमें इसलिए अपने अभी वो बाहर आती रहती बात बट पॉइंट इज दैट होल एक्सपीरियंस जो मैंने पहली वाली थी तो उसके टायर फट गए थे बिकॉज पतले टायर आते थे पीछे से एंड आई रियलाइज कि सबका टायर अपसाइज कराना जरूरी है तो रात को 4 बजे आई वॉज स्ट्रैंडेड ऑन द हाईवे और वहाँ पर एक होटल में रुकने लगा था बिकॉज मैं कार को जाने नहीं देना चाहता था बट समहाउ द पैसेंजर्स दैट वर विद मी मेरे फ्रेंड्स के साथ में उनको टैक्सी करने जाना था और हमारा तब डिसाइड हो गया था कि मैं भाई रुक रहा हूँ मेरे पे हिम्मत नहीं मेरे को बहुत नींद आ रही है तुम निकल जाओ But an Ertiga came and only because that Ertiga had a reclining seat feature and I knew about it, I changed my whole plan, cancelled my room और मैं अंदर बैठते ही गाड़ी को पीछे recline करके tune हो गया For next 5 hours, I was just sleeping dead. And I was surprised because GLE did not have this. And this is a big thing. कि आपकी पिछली सीट रिक्लाइन करनी बहुत जरूरी है Thigh support is so much better than before. The front area is so much better. Everything feels so much more premium. Iska experience honestly nahi Fortuner se aap easily match kar sakte ho. The quality, the finish, the interior color. This does not feel like a segment below at all. At all. This is another level and I'm feeling so good in it. Pichli seats bachcho ke liye theek hai. Leg room utna acha nahi hai. Thighs ko bhi choti hai. But aur agar aapne kaam chalao ke liye logo ko bithana to that's okay. But this is what was expected of Scorpio itself. Pehle wali mein to side pe seats hain. So I think this is a perfect SUV here. And I'm really falling in love with it. I think a video bahut lambi hogi. I think I should call it off. So I'm feeling very good here. Take care. Bye bye.